नमस्कार दर्शकों, कुरुक्षेत्रा में आज हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जो मिमिक्री में बहुत ही ख्याति प्राप्त हैं, और अगर हम बात करें हरियाणा लेवल पे उनका नाम बोलता है मिमिक्री में। हमारे बीच मौजूद हैं पारस सरदाना जी। हम इनसे सीधी बातचीत करेंगे कि गीता जयंती उत्सव पे ये आपको किस अंदाज में निमंत्रण भी देंगे और अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। नमस्कार जी। पारस जी, आपके अंदर ये कला है और आप स्टेट लेवल तक जा चुके हैं इस कला में जी। आप हमारे दर्शकों को अपनी कला के बारे में बताइए। आज मैं आपको थोड़ा नरेंद्र मोदी जी की आवाज़ में जो यहाँ पर यात्री आए हुए हैं उन सब का स्वागत करना चाहूँगा। मेरे देश के भाइयों और बहनों, कुरुक्षेत्र की इस धरती पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पर आए हुए सभी यात्रियों का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। 48 कोस में फैला हुआ यह पूरा क्षेत्र, मुझे पूरा गर्व है कि मैं इस धरती पर आ जाया हूँ और मेरा मन और मेरा तन पवित्र हो चुका है इस धरती पर आने से। मैं नरेंद्र दास दामोदर मोदी आज आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद भारत जी। देखा कि किस कदर से इन्होंने हमारे जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं उनके अंदाज में एक बहुत ही बड़ा निमंत्रण दिया है सभी देशवासियों को। धन्यवाद। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।